is coming in from the state of Bihar. This is an unfortunate one at that. A huge tragedy has occurred in Bihar, where a total of 26 deaths have taken place due to spurious liquor consumption. 26 people have died so far in Chapra and Sivan districts of Bihar after consuming suspected poisonous liquor. 20 people died in Sivan, while 15 people were admitted to the hospital. 6 people have died in Chapra district, while 14 people were admitted to the hospital there who are still undergoing treatment. My colleague Chandramohan is with us on the broadcast to give us more information on this particular story that we are tracking out of Bihar. Chandramohan, kya jankari de sakte hain? 26 log bataye ja rahe hain jinki mautein ho gayi hain is spurious liquor consumption ki taraf se. Sarkar kya keh rahi hai? बिल्कुल, देखिए सरकार के तरफ से जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो लोग भी शराब का धंधा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और साथ ही जो वहां पर अधिकारी अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार लोगों की एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, और अब तक मौत का आंकड़ा 26 पहुंच गया है, जिसमें सिवान जिले के भगवानपुर इलाके के रहने वाले 20 लोग हैं जिनकी संदिग्ध जहरीली शराब पीने के बाद मौत हुई है. तो वहीं 6 लोग छपरा जिले के मसरक इलाके के रहने वाले हैं जिनकी मौत हुई है, और 15 लोग यहां भी अस्पताल में भर्ती हैं, और 15 लोग तकरीबन सिवान सदर अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है. जिन लोगों का तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है उनको पटना के लिए रेफर किया जा रहा है. लेकिन कल से अब तक यह देखा गया है कि 4 लोगों को छपरा और सिवान से रेफर किया गया पटना पीएमसीएच के लिए, लेकिन रास्ते में ही आते समय उनकी मौत हो गई. तो अब पुलिस भी वहां की, जिला प्रशासन सिवान जिला प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रही है, और भगवानपुर थाने के एसएचओ को और वहां के चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है. तो वहीं छपरा के मसरक इलाके में अभी जांच चल रहा है, और साफ तौर पर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. लेकिन कहीं ना कहीं जो इलाके के पुलिस अधिकारी हैं और साथ ही थाना है, उन्हीं की कमी की वजह से यह इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर संदिग्ध जहरीली शराब लोग आज से 3 दिन पहले शाम में पिए, और उसके बाद एक के बाद एक लोगों की तबीयत खराब होती रही, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, किसी के आंख की रोशनी चली गई और किसी की जान चली गई. अब तक सिवान में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं. तो वहीं छपरा के मसरक इलाके के 6 लोगों की जान चली गई है, और तकरीबन 15 लोग यहां भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है. चंद्रमोहन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन द नीतीश कुमार एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नीडलेस टू से द ऑपोजिशन इज अप इन आर्म्स ओवर दीज डेथ्स दैट हैव हैपेंड ड्यू टू अलेज्ड कंजम्पशन ऑफ स्प्यूरियस लिकर. मृत्युंजय तिवारी इज रिस्पोंडिंग टू दीज डेथ्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार. लेट्स टेक अ लुक. इस एनडीए सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है. जहरीली शराब से कल भी छपरा में कई लोगों की जानें चली गई. लगातार ये जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है, और शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है. जिस तरह जहरीली शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है शराब, शराबबंदी कानून के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया, कितना राशि खर्च किया गया इस पर, इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है, ये चिंता का विषय है, और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है और जवाबदेही सरकार की है. With that, I'm slipping into a very short break here on the broadcast. News and updates continue on CNN News 18. Stay tuned for more.